बागबाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बेगंदी में खेत जाते समय एक किसान पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। बता दें, 50 वर्षीय पवन कोहली फसल सुरक्षा के लिए खेत में जा रहा था, लिहाजा गांव से कुछ दूरी पर अज्ञात बदमाशों ने किसान पर हमला कर दिया और अस्पताल जाते समय उसने दम तोड़ दिया। इस दौरान परिजन ने घटना पर खेद व्यक्त करके उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच करने की बात कही। करीबन 9 से 9:30 बजे के बीच की यह घटना है। मेरे ससुर जी पवन पिता मांगीलाल जी वर्मा ग्राम बेगंदी तहसील कसरावत के निवासी हैं। वो अपने भोजन करने के पश्चात अपने घर से निकले थे खेत में जाने के लिए। अपने जहां पर अपनी फसल खड़ी थी, इकट्ठी की हुई थी चने और गेहूं की, उनकी देखरेख करने के लिए तो गांव के बाहर 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही पहुंचे थे कि उनके द्वारा खुद बताया गया रास्ते में हमें कि 4 से 5 लोगों के द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया। उनके हाथ में बड़े बड़े खेती के काम में आने वाले जो लकड़े जो आते हैं गाड़ियों में वो थे, उनके द्वारा उनके पैरों और हाथों पर जानलेवा हमला किया गया। उनके चेहरे बंधे हुए थे और वो उनको पहचान पाने में बिल्कुल भी असमर्थ नहीं थे। वो किसी भी प्रकार से कुछ कह नहीं पाए क्योंकि उनसे इतनी चोट लगी थी, काफ़ी गंभीर अवस्था में थे। उनसे जानलेवा हमला किया गया। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अच्छी तरीके से जाँच की जाए और जो भी दोषी है उन्हें सख्त से सख्त। कोई पुरानी रंजिश थी क्या उनकी? नहीं, गांव में किसी प्रकार का कोई नहीं। कुछ नहीं, कब निकले थे घर से? रात को 9:30 से 10 के बीच घटना है। आप लोग जानते हैं कौन लोग हो सकते हैं? गांव के लोग अचानक जब आवाज आई तो गांव के लोग इकट्ठे होकर के ना गए, तो जैसे ही सभी जन इकट्ठे होकर के वहाँ गए तो वहाँ देखा कि मेरे ससुर जी वहाँ पर घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। उसके बाद हमने एम्बुलेंस को बुलाया, 100 नंबर बुलाया और उसके पश्चात पुलिस भी आई, टीआई साहब ब्लकवाड़ा से भी आए थे, कल शाम को भी आए थे और अभी पोस्टमार्टम के लिए हमने अंदर कल शाम से रखा हुआ है लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। टीआई साहब ब्लकवाड़ा से आ रहे हैं, रास्ते में हैं, निकल चुके हैं। उसके पश्चात उन्होंने कहा है कि उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द उनको पकड़ करके जेल में भेज देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु ठाकुर है, मैं उनका दामाद हूँ। मामला आया है, आरोप लगा रहा है परिजन की इनको मारा गया है अज्ञात लोगों ने, 4 से 5 लोग थे बोले। हाँ, रात्रि में ये एक पॉइंट आया था कि एक पवन पिता मांगीलाल वर्मा है, लगभग 45-50 साल की आयु है, ग्राम बेगंदी थाना बलकवाड़ा के रहने वाले हैं। उनको 2-3 लोगों के द्वारा लकड़ी से मारपीट कर दिया था। बाद में उनकी तबीयत खराब होने पर उनको अस्पताल लाया, अस्पताल लाने के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में मर्ग कायम किया जाकर जांच की जा रही है और मर्ग में मृत्यु के जो कारण है उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में मारपीट किए जाने वाले व्यक्तियों की भी तलाश की जा रही है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए कस्टावस से जाकिर खान की रिपोर्ट।